ब्राह्मण शास्त्र में भी रुचि रखते हैं और शस्त्र में भी, क्योंकि परशुराम भी हम हैं और रावण भी, महादेव हर। चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम नहीं रहे तो याद कौन करेगा। मानो कि हम इतने अच्छे नहीं हैं कि आप याद करो हमेशा हमें, पर एक बात बताओ, अगर हम नहीं रहे तो आपको परेशान कौन करेगा। तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाना। इस वीडियो में दीपक जोशी और तुषार सिलावट की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों स्टार्स की फैन फॉलोइंग को देखकर आपको बताएंगे कि इन दोनों में नंबर वन कौन है। आज के समय में टिकटॉक का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए टिकटॉक काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। टिकटॉक पर आज की डेट में बहुत सारे क्रिएटर्स हो चुके हैं, इनमें से कुछ अपनी बेहतरीन वॉइस तो कुछ डांस की बदौलत और कुछ अपनी लिपसिंग वीडियोस और बेस्ट कंटेंट के चलते फेमस हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही हमारे दीपक और तुषार। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं दीपक और तुषार में कौन है नंबर वन और इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गूगल, हमें अचानक से रामायण क्यों दिखा रहे हैं? अंतिम समय रामायण देखने से स्वर्ग मिलता है। हम मरने नहीं चाहते। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन दोनों स्टार्स की लाइफ स्टाइल के बारे में जान लेते हैं। बहुत कम समय में टिकटॉक पर पहचान बनाने वाले दीपक का पूरा नाम दीपक जोशी है। राजस्थान के रहने वाले दीपक का जन्म 10 अप्रैल 2004 में सिरोही में हुआ था। दीपक एक हाई मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी आज की डेट में एज लगभग 16 साल है। और वहीं अगर बात करें तुषार की, तो अपनी क्यूट स्माइल और बेहतरीन पर्सनालिटी से अपने फैंस को दीवाना बनाने वाले तुषार का पूरा नाम तुषार सिलावट है। 4 नवंबर 2002 में इंदौर में एक हिंदू मिडिल क्लास रिच फैमिली में एक क्यूट से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम तुषार रखा गया। तुषार बचपन से ही इतने ही क्यूट थे जितने आज हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों स्टार्स की फैमिली की, तो दीपक की फैमिली में इनके मोम डैड और एक बहन है। दीपक की बहन दीपक के कुछ वीडियोस में नजर आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तुषार की फैमिली की, तो तुषार की फैमिली में कुल 3 लोग हैं। तुषार के मोम डैड इनको वीडियोस बनाने में फुल सपोर्ट करते हैं। पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? दीपक की स्कूली पढ़ाई राजस्थान से कंप्लीट हुई है। इस साल उन्होंने 11th के एग्जाम दिए हैं। दीपक अपनी स्टडी पर काफी फोकस करते हैं। उनका मानना है कि स्टडी करने से जो सक्सेस पाई जा सकती है, शायद वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर नहीं मिल सकती। अगर बात करें तुषार की स्टडी की, तो तुषार अपनी स्कूली स्टडी इंदौर से कम्प्लीट कर चुके हैं और आज की डेट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तुषार टिकटॉक पर फेमस होना चाहते हैं, बट उनका बॉलीवुड में जाना ड्रीम नहीं है। दोस्तों, अब तक हमने इन दोनों स्टार्स की लाइफस्टाइल, फैमिली, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में जाना। अब हम आपको बताएंगे इनके टिकटॉक करियर के बारे में कि इनका टिकटॉक करियर कब शुरू हुआ। तो मैं आप सभी को बता दूं, दीपक ने टिकटॉक की दुनिया में आज से लगभग 1 साल पहले यानी साल 2019 में कदम रखा था। इनका फर्स्ट वीडियो अप्रैल 2019 में टिकटॉक पर अपलोड हुआ था। और वहीं अगर बात करें तुषार की, तो तुषार टिकटॉक पर आज से 1 से 2 साल पहले आए थे। इनके वीडियोस पर शुरुआत से ही अच्छे व्यूज और लाइक्स आते थे, शायद इसीलिए तुषार को जरा सा भी डीमोटिवेशन का सामना नहीं करना पड़ा। आप में से ज्यादातर फैंस जानना चाहते होंगे कि ये स्टार मंथली टिकटॉक से कितना अर्न कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, दीपक टिकटॉक से मंथली 35 से 70 के अप्रोक्स और वहीं दूसरी तरफ तुषार 35 से 60 के अप्रोक्स अर्न कर लेते हैं। एक दिन मैंने मजाक में पूछा था, अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा? पागल हो क्या तुम? कुछ भी बोलते हो, मैं तो मर ही जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। ब्रेकअप को काफी दिन हो गए, तुम तो अभी तक जिंदा हो। कुछ लाइन दोस्तों के लिए, दोस्ती होती है वन टाइम, निभाते हैं सम टाइम, याद कर लिया करो एनी टाइम।
खुश रहो तुम ऑल टाइम, यही दुआ है मेरी लाइफ टाइम। अगर बात की जाए इनकी फेवरेट थिंग्स की, तो दीपक का फेवरेट फूड इडली डोसा है और इनके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैं। और दूसरी तरफ तुषार की फेवरेट थिंग्स के बारे में बात करें तो तुषार का फेवरेट फूड मोमोज है और इनके फेवरेट एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इन दोनों स्टार्स की फैन फॉलोइंग के बारे में बताते हैं, जिससे शायद ये कहना सरल हो जाएगा कि इन दोनों में से नंबर वन कौन है। तो चलिए आपको बताते हैं, दीपक की आज की डेट में टिकटॉक अकाउंट पर 7.7 मिलियन फैंस और 149 मिलियन हर्ट्स हैं और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 290K फैंस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तुषार की, तो तुषार के टिकटॉक अकाउंट पर 5.8 मिलियन फैंस और 295 मिलियन हर्ट्स हैं, के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 758K फॉलोवर्स हैं। दोस्तों अगर बात करें दीपक जोशी और तुषार शिलावत की आज की डेट में फैन फॉलोइंग को देखकर, इन दोनों में से मेरे हिसाब से नंबर वन दीपक जोशी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग नीचे कमेंट करो और हमें बताओ कि आपका फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है। ये वीडियो केवल एंजॉय के लिए था, किसी भी सब्सक्राइबर या फैन को हर्ट करने के लिए नहीं। अगर आप दीपक या तुषार के बिग फैन हो तो वीडियो के लाइक के बटन को एक साथ दबा दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारी माँ से पूछा, उन्होंने कहा तुम सिर्फ कॉलेज जाती हो। तो ये जो तुम्हारा मिला बाबू मिला बच्चा लड़के काटने का बिजनेस है, घर में सिखाते हैं या कॉलेज से सीख कर आती हो? चल इन सब सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे, मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि कभी छोड़ना मत।